एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम अगस्त में होने, टीजीटी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है और जल्द ही पीजीटी का भी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जिन तदर्थ शिक्षकों के पदों को इस भर्ती में जोड़ने की बात करी जा रही थी, तो सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आयोग की तरफ से उतने पद ऐड इस भर्ती में किए जाएंगे जितने तदर्थ शिक्षक इस परीक्षा में बैठने वाले। वैसे तो 16,000 संख्या सामने निकल कर आई थी, बट अगर मान लीजिए कि 8 से 10 हज़ार ही परीक्षा में बैठते हैं, तो 8 से 10 हज़ार के करीब जो है वो पद इस भर्ती में जोड़ने की बात आयोग की तरफ से निकल कर आ रही है। एक बड़ी अपडेट है, तो आप सभी निराश ना हो, जल्दी इस परीक्षा में, इस भर्ती में आपके जो पद हैं तदर्थ शिक्षकों के, वो जोड़ दिए जाएंगे। एक बड़ी खुशखबरी और टीजीटी वालों के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी टीजीटी के छात्र, उसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर एडेड का भी फॉर्म भरा था, तो उसकी भी परीक्षा 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, 10 अक्टूबर को आपकी जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो भी होगी। उसके अलावा टीटी का जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भेजा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है। तो जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे थे और जूनियर एडेड की भी, तो टीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त में देने के बाद वो तुरंत जूनियर एडेड की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके लिए बेहतर टेस्ट सीरीज और बेहतर कंटेंट लाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भी जूनियर एडेड की परीक्षा देने वाले हैं, तो हम जल्द से जल्द आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर मॉडल पेपर लेकर आएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीजीटी में इस बार कॉम्पिटिशन कम होगा, क्योंकि टीजीटी में सीटें भी ज़्यादा है, और जो अगर नंबर ऑफ आवेदन है, अगर हम कहें नंबर ऑफ फॉर्म जो है, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो उतने नहीं है, तो आपको एक सीट पे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों से फाइट नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो आई होप तो कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी करें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट और गाइडेंस के लिए नमस्कार।